उसी की प्रस्तुति में पेश करने जा रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं, पिताजी चैन से कुबार पड़ रहे हैं और माँ परेशान होकर कह रही है, और नजदीक लगा अच्छे कैरियर से कितना होता है क्या बेटा। इस प्रोग्राम में हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, उसके बाद हमारे प्रतिभा के अनुसार हमें स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये प्रोग्राम सिर्फ हमारे आईएससी परीक्षा की तैयारी ही नहीं करवाता बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है। बस बस हो गया तुम दोनों का, जा जाके रसोई में काम कर, क्या पढ़ाई करेगी क्या आईएएस बनेगी। और आप गोलू के लिए पैसे जमा करो, वो लड़का है लड़की वो भी आईएएस, हमारा बेटा गोलू कमाएगा और हमें खिलाएगा। क्या हुआ लड़की है तो उसे भी तो मौका मिलना चाहिए। आप और आपकी लाडली माँ, आपको पता है मेरा फर्स्ट आया हूँ। अरे मेरा गोलू, मेरा राजकुमार, तू किसमें फर्स्ट आया है? चल मेरा राजकुमार बेटा किसी चीज में फर्स्ट तो आया, चल बैठ के टीवी देख। क्या आपने ध्यान दिया बेटा और बेटी के परवरिश के दौर? क्या यह सामान्य नहीं हमारे जीवन? चिंकी अपना काम करने लगती है और माँ बेटा दोनों टीवी देखने लगती। कभी थोड़ी ही देर के बाद चिंकी आती है। मैंने सारा काम कर दिया है, भी बना दिया है। अरे अब जब बना ही दिया है तो थोड़ा परोस के भी लिया, मेरा सीरियल छूट जाएगा ना। अभी लाती हूँ माँ। हाँ जाओ। जीवन का सिंगार है कुम 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 से। क्या जिंकी, तुझे बस खाना देने को बोला था, तुझसे तो ये भी नहीं होता है क्या ढंग से? अभी साफ कर रही। क्यों रे जिंकी, तू क्या करती है? एक दिन ससुराल जाना है तुझे, वहाँ भी ऐसे ही करेगी, नाक कटवा देगी मेरी। जा जल्दी से साफ करके जा। माँ की जल्दी कटी बातों को सुनकर चिंकी को बहुत दुख होता है। इसका मन नहीं मानता है बात को सुनने के लिए, फिर भी वह बैठकर अपनी पढ़ाई को जारी रखती है। माँ की बहुत अच्छी बनी है, मुझे और खीर चाहिए। अरे मेरा राजकुमार, मेरा बोलू, तुझे और खीर चाहिए? रुको तो बनाता। चिंकी, और चिंकी जरा इधर तो आ। तेरे भाई को खीर बहुत पसंद है, जा अपने भाई के लिए खीर तो ले आ। आप और खीर तो थोड़ी सी बची है, वो मैंने अपने लिए रखा है। तो क्या हो गया चिंकी, वैसे भी तुझे एक दिन ससुराल जाना है, मेरा बेटा खाएगा खीर और कमा के लाएगा। जा बोलू के लिए खीर लेके आ। अभी लाती हूँ माँ। एक परिवार में सारा संघर्ष और सारा त्याग क्या केवल लड़कियों के लिए ही है? विज्ञान भी कहता है कि लड़कियों को हर रोज कम से कम 900 ग्राम की पौष्टिक आहार की जरूरत है, लेकिन भेदभाव में खान पान भी सहना पड़ता है। आगे देखिए, चिंकी गोलू के रूम में जाकर पढ़ने लगती है, माँ और बेटा दोनों टीवी देख रहे हैं। थोड़ी ही देर के बाद गोलू अपने रूम में आता है और चिंकी से कहता है, चिंकी तू कहीं और जाके पढ़, मुझे सोना है, मुझे थोड़ी देर तो पढ़ने दे मेरे भाई। या टीवी लगा वे, ऐसा नहीं दिया मैंने। माँ तुम लोग लड़ना बंद करो, जब देखो तब लड़ते रहते हो, इन बच्चों ने तो मुझे परेशान कर रखा है, अब क्या हो गया? माँ मुझे सोना है, मुझे सोने नहीं दे रही है। माँ मैं थोड़ा सा समय नहीं तो मांग रही हूँ। क्या हो गया चिंकी, तू इतनी देर रात तक क्या करेगी? जा जाके सो जा, तू भी जाके सो जा और मुझे भी जाके सोने दो। इतनी देर में चिंकी के पापा आए। चिंकी बेटा मैं तो पढ़ाई हाँ पिताजी, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। चिंकी बेटा हमारे पास बड़ा बेटा पढ़ना तो ठीक है बेटा, मैं पहले का बेटा बेटी पढ़ा, ऐसे फिर माँ पढ़ाने वाली बहुत जरूरी है। ठीक है पिताजी, धन्यवाद। चिंकी बेटा ऐसे मतलब पढ़ना। हाँ पिताजी, मैं खूब मेहनत करूँगी और आपका नाम रोशन करूँगी। बस एक छोटा सा सहारा भी हमारे लिए काफी होता है। हम
हमारा हौसला बढ़ा देगी। हम लड़कियों को अक्सर सबका प्यार नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा प्यार पाकर खुश हो जाते हैं। अगले दिन एडमिशन करवाने के लिए करवाती है और चिंकी सबका क्लास करती है और बहुत ही खुश हो जाती है कि अगर इसी तरह से सही दिशा में निर्देश के अनुसार वह तैयारी करे तो एक दिन चिंकी आईएएस जरूर बन जाएगी। कॉलेज के बाद चिंकी घर आती है और देखती है कि उसकी माँ पड़ोसन से कुछ बातें कर रही होती। और सीमा क्या हाल है तुम्हारे? मेरा तो बढ़िया है प्रणव, बहन अपना बताओ। मैं तो बढ़िया हूँ, और बताओ कोई खबर वबर लाई हो? अरे हाँ बहन, जानती हो मैं तुम्हारी चिंकी के लिए बहुत सुंदर सिसी लड़के का रिश्ता ले आया। सच में ऐसा है सीमा? और तो क्या बहन, लड़का बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट जॉब करता है, अच्छी खासी जमीन और खेती भी है, लेकिन यही कहीं 40 साल का होगा, 15 साल से नौकरी तो कर रहा है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। आपकी बेटी राज करेगी राज। ओ सीमा तुम भी ना। चिंकी ओए चिंकी जरा इधर तो सुन। हाँ माँ। देख देख सीमा चाची आई है, जरा इनके पैर तो छू। कैसी हो चाची? मैं बढ़िया हूँ। जा जा अपनी सीमा चाची के लिए चाय नाश्ते गरम गरम पकौड़े लेके आ, जा जल्दी से। अभी आती हूँ माँ। ओ सीमा तुमने तो मेरी सारी परेशानी ही हल कर दी, मैं अपनी बेटी चिंकी को लेके कितना परेशान थी। जानती है चिंकी सीमा चाची तेरे लिए खुशखबरी लेके आई है। क्या माँ? तेरी शादी का रिश्ता। माँ मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी शादी हो चुकी है मेरे पढ़ाई से, मेरे भविष्य से। संभाल लो अपनी बेटी को, बहुत आसमान में उड़ने लगी है, कहीं जमीन पिलाना मुश्किल ना हो जाए, ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। चिंकी इतनी देर में गोलू आता है। माँ माँ मैं आ गया। अरे मेरा राजकुमार, मेरा गोलू गोलू तो आ गया, चल बैठ जा, चल टीवी देखते हैं। नहीं माँ मुझे टीवी नहीं देखना है। चुप जरा देख तो सही, आज अक्षरा के साथ उसके साथ क्या क्या करती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। माँ मुझे बीमारी में चले जाऊँ? आती के जाऊँ? सुनती हो, आती हुई। यह देखिए ईमानदारी और जुनून किसी को कहते हैं। एक और गोलू जो थोड़ी ही देर में थक गया और दूसरी ओर चिंकी जिसका लक्ष्य है सिर्फ पढ़ना और अपनी मंजिल को हासिल करना। अगले दिन कॉलेज के सर समाचार से संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं। सभी कोई जवाब देते हैं लेकिन चिंकी एक भी जवाब नहीं दे पाती है। फिर सर उसे समझाते हैं और अगले दिन पढ़ के आने के लिए कहते हैं। चिंकी घर आती है, उसकी दोस्त की और उसकी माँ की बातें उसके जहन में चल रही होती है। फिर वह निश्चय करती है कि वह खूब मेहनत करेगी और आईएएस बनकर दिखाएगी। देखते ही देखते एक साल गुजर जाता है और फिर परीक्षा का दिन आता है। दोनों गोलू और चिंकी परीक्षा के लिए तैयार हैं। गोलू के पापा किधर हैं? इधर तो आइए। क्या हुआ? किधर थे, कहाँ थे, कब से? क्या हुआ? आज मेरा गोलू बेटा परीक्षा देने जा रहा है, सफल हो कर ही आएगा, डीएम बन कर ही आएगा। जा अपने भाई के लिए दही शक्कर तो ले आ, जा। सफल हो के आना बेटा, डीएम बन कर ही आना, आरती की थाली भी लेती आना। लो जी पकड़ो जी, सफल हो गया ना बेटा, डीएम बन कर ही आना। अब आशीर्वाद देने के लिए दो रंग आपके सामने हैं। दोनों परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं। और
परीक्षा देकर वापस घर आते। दिन बीतता जाता है। एक दिन जब माँ और बेटा दोनों टीवी देख रहे होते हैं, तभी अचानक से परीक्षा के परिणाम के बारे में टीवी में कोई नई खबर आती है। लेकिन